अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को वेनरार के डाउनलोड करने के बारे में बताने वाला हूं कि वेनरार को हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेनरार के डाउनलोड होने से पहले यहां पर मैंने दो फाइल आप लोगों के लिए रखी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये रार फाइल है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ओपन नहीं होते। तो इसके लिए आपको पहले चाहिए कि वेनरार को डाउनलोड करें। तो अभी आते हैं वेनरार की डाउनलोडिंग की तरफ। तो फ्रेंड, कोई भी ब्राउज़र हो उसको ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करें वेनरार। वेनरार में आपको फ्री वेनरार मिलते हैं, आपको जो है वो बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डाउनलोडिंग लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेनरार डाउनलोड फ्री सपोर्ट वेनरार, इसको भी कर सकते हैं। और लेकिन मैं इधर पे डाउनलोड वेनरार पे करता हूँ, इधर पे आप भी क्लिक करें इसी तरीके से। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मुख्तलिफ वर्जन है, चाइनीज़ है, हर किस्म के वर्जन है इसके। तो यहाँ पर जो हमारे लिए है वो ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट वेनरार इंग्लिश। तो यहाँ पर अगर आपका विंडो 64 बिट है तो 64 बिट को इंस्टॉल करें, अगर 32 बिट है तो 32 बिट को इंस्टॉल करें। मेरे पास 64 बिट विंडो है तो मैं इधर से इस वेनरार को 64 बिट जो है इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको अब करते हैं इंस्टॉल। तो ये इसी तरीके से मैंने 64 बिट का इंस्टॉल किया और आप लोग 32 बिट का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी जो विंडो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा विंडो जो है ये 64 बिट है, यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए मैंने 64 बिट को डाउनलोड किया है। और यहाँ से अब इसको करते हैं शो एन फोल्डर। शो एन फोल्डर में देखते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वेनरार का एक बॉक्स आ चुका है। अभी सिंपली इसी को ओपन करते हैं या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर पे करते हैं। तो ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली से इधर पे इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। येस पे करें और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं इंस्टॉल, इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ से आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ये सी में बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। और अभी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे इंस्टॉल हो चुका है और ओके के ऊपर क्लिक करें और डन के ऊपर क्लिक करें। डन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फोल्डर जो पहले किस टाइप के हमें दिखाई दे रहे थे, सादा थे, और अभी इनसे ये आप देख सकते हैं वो फोल्डर बन चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और इन तीनों को इसमें मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो फाइल है, इसी तरीके से आप भी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तमाम फाइलें जितनी भी थी वो इसमें से शो हो गई हैं। इसमें भी दो किस्म के फाइल थे, एक ये रार फाइल था और ये एक जिप फाइल था। दोनों फाइल को मैंने आप लोगों के सामने दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रार फाइल है और ये जिप फाइल है। तो ये दोनों को इसने जो है वो अभी सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। तो फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त, और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।